Hello friends, welcome to Study Go with Zina Siddiqui. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑस्टिन की डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस और हॉलैंड डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही मैंने ज्यूरिसप्रूडेंस की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है ज्यूरिसप्रूडेंस से रिलेटेड, आपको सारी वीडियोस वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वीडियो इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉलमन्स डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलमन्स की ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में, जो डेफिनेशन है उनका, जो व्यू है ज्यूरिसप्रूडेंस को लेकर उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ही सेड दैट ज्यूरिसप्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। बाय लॉ ही मीन लॉ ऑफ द लैंड और सिविल लॉ। दोस्तों सॉलमन का मानना है कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो साइंस है, किसकी, लॉ की, यानी विधि का विज्ञान है। और यहाँ पर लॉ का तात्पर्य जो है उनका, यानी विधि से जो उनका मतलब है वो यह है कि ऐसी विधि जो लैंड की होती है और ऐसी विधि जो सिविल है, यानी कि सिविल लॉ, यहाँ पे उनका लॉ से तात्पर्य है, सिविल लॉ से। द मीनिंग ऑफ द वर्ड used by Salmon in their definition are as under। दोस्तों जो डेफिनेशन में सालमन ने वर्ड्स यूज किए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है लॉ। अकॉर्डिंग टू सालमन, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दोस्तों लॉ से सालमन का तात्पर्य, सालमन का मानना है कि लॉ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, यानी कि जो सिद्धांत है उनका समूह है, ऐसे सिद्धांतों का समूह है जो कि रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, यानी जो स्टेट अप्लाई करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के प्रशासन में जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल स्टेट के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उसको सालमन ने लॉ कहा। और सालमन का ये मानना है ओनली दोज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल कैन बी कॉल्ड लॉ विच आर अप्लाइड बाय द कोर्ट ऑफ द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और साथ ही सालमन का ये भी मानना है कि सिर्फ उन्हीं बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स को, यानी कि सिद्धांतों के समूह को लॉ माना जाएगा जो कि किसी स्टेट की कोर्ट के द्वारा अप्लाई किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, यानी कि न्याय के प्रशासन में स्टेट की जो कोर्ट है वही अप्लाई कर सकती है ऐसे लॉस को। और ये जो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, अगर ये कोर्ट के द्वारा ही अप्लाई किए जाएंगे तभी ये लॉ माने जाएंगे, ऐसा सालमन का मानना है। दोस्तों सालमन की डेफिनेशन में नेक्स्ट टर्म है सिविल लॉ। द टर्म सिविल लॉ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिविटास। दोस्तों ये जो सिविल है इसको लिया गया है सिविटास टर्म से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्टेट। दोस्तों सिविटास का मतलब होता है स्टेट, तो यहाँ पर इसके साथ लॉ यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, सिविल लॉ मीन्स लॉ मेड बाय द स्टेट, यानी कि ऐसे लॉ जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिविल यानी स्टेट और लॉ यानी कि ऐसे बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जो रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड किए जाते हैं स्टेट के द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अकॉर्डिंग टू सालमन द टर्म सिविल लॉ डज नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल लॉ, एंड सिंस ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ इंटरनेशनल लॉ इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस। सालमन का मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उनको सिविल लॉ में नहीं रखा गया है, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि ज्यूरिसप्रूडेंस साइंस ऑफ सिविल लॉ है, यानी ज्यूरिसप्रूडेंस ऐसे विधियों का ज्ञान है, सिविल लॉ का ज्ञान है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है। इंटरनेशनल लॉ को ज्यूरिसप्रूडेंस के स्कोप से सालमन ने बाहर ही कर दिया। दोस्तों लास्ट टर्म है इसमें साइंस। दोस्तों साइंस का मतलब तो हर बच्चे को पता होता है, साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन्स नॉलेज।
साइंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अगर हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इसका मतलब होता है साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अ थिंग, सेम एज अ ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ लॉ। और दोस्तों इसी तरह जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो भी सिस्टमैटिक नॉलेज है लॉ की। देयरफोर सामंट सेड दैट ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। इसी वजह से सामंट कहते हैं कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो साइंस है, यानी सिस्टमैटिक नॉलेज है लॉ की। कौन से लॉ की? सिविल लॉ की। सिविल यानी कि जो स्टेट है, और लॉ यानी कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जो रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड किया जाता है स्टेट के द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये हो गया हमारा साइंस। तो यानी कि अब हम देखेंगे सीधा उसकी डेफिनेशन। यानी दोस्तों सालमन की डेफिनेशन जो है, ज्यूरिसप्रूडेंस इज साइंस ऑफ सिविल लॉ। इसका मतलब ये है कि ज्यूरिसप्रूडेंस सिस्टमैटिक नॉलेज है सिविल लॉ की। सिविल लॉ, सिविल यानी कि स्टेट, लॉ यानी कि ऐसी बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जो रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है सिविल यानी कि स्टेट के द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये था हमारा सामंट की डेफिनेशन। दोस्तों ये जो सामंट का व्यू है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जेनरिक और वाइडर सेंस। इट इंक्लूड्स एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स। जो जेनरिक सेंस है उसमें जितनी भी लीगल डॉक्ट्रिन्स है वो उसकी पूरा सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इन दिस सेंस ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ। इस सेंस में हम मानते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस साइंस है सिविल लॉ का। सिविल लॉ यानी कि सिविल से मतलब तो वही है स्टेट, और लॉ यानी कि ऐसा लॉ जो कि रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड किया जाता है स्टेट के द्वारा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इफ वी डिफाइन द ज्यूरिसप्रूडेंस विद द जेनेरियस एंड इनिशियल विजन देन ऑल द लीगल प्रिंसिपल आर इम्प्लिसिट इन इट। अगर दोस्तों हम ये जो ज्यूरिसप्रूडेंस है उसको डिफाइन करते हैं जेनेरियस और इनिशियल विजन में, मतलब आरंभिक काल के विजन से मतलब हम डिफाइन करते हैं, तो क्या होता है? देन ऑल द लीगल प्रिंसिपल आर इम्प्लिसिट इन इसके इसके तहत जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अंदर इम्प्लिसिट हो जाते हैं, अंतर्निहित हो जाते हैं। सो दैट दिस इज द नॉलेज ऑफ लॉ। तो मतलब क्या पता चलता है कि भाई जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो नॉलेज ऑफ लॉ है। जैसा कि इसका एटाइमोलॉजिकल मीनिंग है ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ लॉ, तो उसका मानना है कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो नॉलेज ऑफ लॉ है। इन दिस व्यू ऑल द बुक्स ऑफ लॉ आर द बुक्स ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस। यानी कि सामन का सीधा सीधा मानना ये है कि जितनी भी लॉ की बुक्स हैं वो सारी बुक्स हम कह सकते हैं कि वो बुक हैं ज्यूरिसप्रूडेंस की। तो दोस्तों ये था हमारा जेनरिक सेंस। और दूसरा सेंस है स्पेसिफिक सेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं नैरो सेंस। दिस डील्स विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पोर्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन। दोस्तों ये जो स्पेसिफिक सेंस है, और इसको हम नैरो सेंस भी बोलते हैं, ये डील करता है जो डॉक्ट्रिन है उसके किसी भी पोर्शन से या उसके किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से डील करता है। यानी उसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है डॉक्ट्रिन, किसी डॉक्ट्रिन का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर कोई पोर्शन। लेकिन जो जेनरिक फॉर्म जो थी इसकी, जेनरिक सेंस में अगर हम देख रहे थे तो उसमें इंक्लूड होता है एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन। यानी जितनी भी लीगल डॉक्ट्रिन्स है उनकी सारी, मतलब पूरा पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन स्पेसिफिक नैरो सेंस ऐसा सेंस है जिसमें मतलब बिल्कुल नैरो कर दिया गया है, ज्यूरिसप्रूडेंस का स्कोप नैरो कर दिया गया है। इसमें क्या मान लिया गया है कि भाई इसमें सिर्फ डॉक्ट्रिन का कोई भी पोर्शन इंक्लूड किया जा सकता है, उसका कोई पार्ट, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसके साथ स्पेसिफिक यानी कि नैरो जो सेंस है ज्यूरिसप्रूडेंस का वो डील करता है। इन स्पेसिफिक सेंस ज्यूरिसप्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। यानी कि दोस्तों सालमन का मानना यह है कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है नैरो सेंस में वो एक साइंस है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। यानी सिविल लॉ के जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्राथमिक प्रिंसिपल है, प्राथमिक सिद्धांत है, उनका विज्ञान है, ऐसा नैरो सेंस में सालमन ने कहा। दे मीन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट आर द बेसिस ऑफ द सिविल लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज। दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज द
फर्स्ट प्रिंसिपल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, यानी कि इनका मानना है ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ये सिविल लॉ का आधार है डिफरेंट कंट्रीज में, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो है सिविल लॉ के ये सब्जेक्ट मैटर है जुरिस्प्रूडेंस का, ऐसा स्पेसिफिक सेंस में सालमन का मानना है। जुरिस्प्रूडेंस स्टडीज दैट माइक्रो और आइडियल प्रिंसिपल्स विच आर द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री, यानी कि सीधा सीधा इन्होंने कहा नैरो सेंस में कि जुरिस्प्रूडेंस स्टडी करता है माइक्रो मतलब सूक्ष्म और आइडियल प्रिंसिपल्स का, मतलब जो सिद्धांत है आदर्शवादी जो सिद्धांत है जो कि बेसिस होते हैं किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम के, यानी किसी भी कंट्री का जो लीगल सिस्टम है उसका जो आधार होते हैं माइक्रो और आइडियल प्रिंसिपल्स, उनकी स्टडी जुरिस्प्रूडेंस करता है, ऐसा सालमन का मानना है। और दोस्तों सालमन ने अपने स्पेसिफिक जुरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक, सेकंड हो गया हमारा लीगल हिस्ट्री एंड थर्ड हो गया हमारा द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। दोस्तों ये तो थी हमारी सालमन की डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सालमन का जुरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या व्यू है। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म यानी कि सालमन की डेफिनेशन की आलोचना। दोस्तों पहला पॉइंट है द डेफिनेशन ऑफ सालमन इज नैरो एंड लिमिटेड, यानी कि दोस्तों सालमन की जो डेफिनेशन है वो नैरो और लिमिटेड है। क्यों है नैरो क्यों है लिमिटेड, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने नैरो सेंस में ये कहा था कि भाई जो जुरिस्प्रूडेंस है वो साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ है, यानी उन्होंने कहा था कि वो सिविल लॉ के जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं उनका विज्ञान है उनका साइंस है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस तरह से क्या हो जाता है जो सेकेंडरी प्रिंसिपल है वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि जुरिस्प्रूडेंस के स्कोप से वो अलग हो जाते हैं, ड्यू टू विच द इम्पॉर्टेंट ऑफ सेकेंडरी प्रिंसिपल्स इज, यानी कि दोस्तों जिससे जुरिस्प्रूडेंस के जो सेकेंडरी प्रिंसिपल्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस खत्म हो जाती है एंड हो जाती है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन है जुरिस्प्रूडेंस की सामने की ये नैरो है और लिमिटेड है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ जस्टिस विद लॉ, दोस्तों सामन ने जस्टिस को और लॉ को एक साथ मिक्स कर दिया, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई जो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स स्टेट का जो कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड और अप्लाई करेगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वही बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स लॉ होंगे, ऐसा कहना उनका गलत है क्योंकि एवरी लॉ इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट, मैनी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो लॉ है वो कोर्ट ही इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि बहुत से लॉ और ज्यादातर अब लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस तरह से सालमन का कहना गलत है कि वही बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स लॉ होंगे जो स्टेट की जो कोर्ट है उनके द्वारा अप्लाइड और रिकॉग्नाइज किए जाएंगे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऐसा कहना सालमन का गलत है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है नॉट एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ एज लॉ, सालमन हैज नॉट इंक्लूडेड द इंटरनेशनल लॉ इन इट्स डेफिनेशन ऑफ लॉ, सो देयर डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड। दोस्तों सालमन ने कहा कि भाई इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है जुरिस्प्रूडेंस में, उन्होंने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ, और सिविल लॉ ऐसे लॉ है जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है, यानी कि जुरिस्प्रूडेंस डील ही नहीं करता इंटरनेशनल लॉ से, ऐसा कैसे हो सकता है भाई क्यों नहीं करता, वो हर तरह के लॉ से डील करता है, सभी जितने भी लॉ है वो सब जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आते हैं। इस प्रकार से सालमन का ये मानना कि भाई इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है लॉ में, जो उनका जुरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन है उसमें इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, इस वजह से उनकी जो डेफिनेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है और लिमिटेड है, और ये 3 पॉइंट्स थे उसके क्रिटिसिज्म के, यानी सामन की डेफिनेशन के ये 3 पॉइंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया सालमन की डेफिनेशन का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अपने LLB के ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।